यो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरू टॉप टेक। तो हम आज सीखने वाले हैं कि ब्लूस्टैक्स फाइल में कैसे हम पैनल लगा सकते हैं। ब्लूस्टैक्स फाइल में काफी कम लोगों ने पैनल दिया है, तगड़ा पैनल। कॉम्पैक्ट जेरिया का नाम सुना होगा आपने, उसका बहुत ही ज्यादा एडवांस पैनल है। तो वीडियो में देरी नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चले जाना है आपको गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे सर्च करना है आपको गूगल में wirutoptech.blogspot.com। ओके, जैसे ही आप ये सर्च करोगे ना, देखो ये आपके सामने ना कुछ ऐसा आ जाएगा। आप सर्च बैठ कर ऐसे करो सर्च और आ जाएगा। फिर आपको अभी ना सबसे ऊपर ये देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको ये सबसे ऊपर देखने को भी नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस फ्री फायर लिख देना है। फ्री फायर, ओके। जैसे आप इसे फ्री फायर लिखोगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस पे क्लिक कर लेना। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा खुल के आने के बाद ये देखो, ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और स्क्रॉल डाउन करके ना चले आना है डाउनलोड वाले सेक्शन में। सो गाइस, मैं एक इम्पोर्टेंट नोट बता दूं, पैनल है इसमें लगा पासवर्ड। पासवर्ड वीडियो में आ गया है, तो वीडियो को स्किप करना और देखते रहो आप। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, और फिर इसे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब ना सब क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद चले जाते हैं दिस पीसी में, और फिर चले जाते हैं अपने डाउनलोड वाले फोन में। फिर आप ये देख सकते, ये हमारा आ चुका है। तो इसको लेफ्ट क्लिक करके, विंडर पे क्लिक करके ट्रैक टू कॉम्पैक्ट एरिया करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेप करना होगा, वो है कि आपको चले जाना है ये विंडोज वाले आइकन पे, फिर ये सेटिंग्स वाले आइकन पे। सेटिंग्स वाले आइकन पे जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर, ये देखो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चले जाना है। आपको विंडोज सिक्योरिटी में चले जाना है। उसके बाद ये देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें चले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैनेज सेटिंग्स, ये देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में नीचे मैनेज सेटिंग दिख रहा है, तो इस पे क्लिक कर लेना है आपको। फिर आपको इसे मिनिमाइज कर देना है, फिर आपको इसे क्लोज कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे चले जाना है, इसे ट्रैक कर लेना है, ट्रैक टू कॉम्पैक्ट एरिया, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड वीडियो को स्किप मत करना। चार डिजिट का पासवर्ड है, ठीक है। दो दो करके दो जगह पे पासवर्ड दिया गया है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा क्लिक आएगा, ऐसे ये खुल के आ चुका है। तो इसे ना आपको डेप्थ क्लिक करके रनेज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रनेज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हो ना, पैनल ये देखो कितना तगड़ा पैनल है, ये देखो फंक्शन 2, 3, 4, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस पे ऐसे ले जाना है, ठीक। फिर आपको स्टार्ट पे चले जाना है, आपको ऐप्स पे जाना है, और आपको ब्लूस्टैक्स ओपन कर लेना है, या फिर आपका MSI 5 है तो उसमें भी चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, हमारा ब्लूस्टैक्स ओपन हो रहा है। आपको इंतजार करना है ब्लूस्टैक्स ओपन होने का, ठीक है। ऐसे आधा आधा में दोनों को रख देना है, ताकि हम आराम से ना ऐसा पैनल लगा पाए, ठीक है। तो हम इंतजार करते हैं इसके ओपन होने का, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है ना, फ्री फायर को ओपन कर लेना। ये हमने ओपन कर लिया फ्री फायर मैक्स को। अब आपको इंतजार करना है कुछ देर तक। तो गाइस, जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ये पैनल आपको कहीं और मिलने वाला है यानी, अभी मैं ही हूँ जो इस पैनल को दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई और एग चाहिए, कुछ अच्छा एग चाहिए मोबाइल के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या चाहिए आपकी गए। तो ये हमारा फ्री फायर ओपन हो रहा है, और लोडिंग ले रहा है, उसे लोड लेने देते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई पॉज वॉज नहीं करना है आपको। वो करवाते हैं ना, पॉज करो फिर अंदर जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे ओपन होने देना है, ठीक है। और फिर इसे हम इसका हम इंतजार करते हैं कि कब तक ये ओपन होता है, ठीक है। ये जो डिवाइस है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ओपन हो। आईडी है 6.5 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट आईडी है। ये जैसे ही ओपन हो जाता है ना, देख सकते हो मेरा ये ओपन हो चुका है। एमुलेटर डिटेक्टर, इसे ओके कर देना है, कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप खुल जाएगा, आपको सीधे से चले जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। ये मैं तो चला गया क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ओके, जैसे ही आप ये इधर जाओगे, ये स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ फेट, ऐसा आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो आपको इंतजार करना है जब तक ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट ना हो जाए। आप ये बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर बताता हूँ कि हमारे हेडशॉट लग रहे हैं, नहीं लग रहे। तो मैं ना कन कर लेता हूँ। पहले एम बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका पैनल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है, आप कुछ क्लिक किधर भी क्लिक नहीं करना है, कुछ भी आप बीच में अड़चन, आपको कुछ किधर भी क्लिक नहीं करना है जब तक कि अप्लाई होने जाए। और एम्बॉट फुल पे क्लिक करना है, देख सकते हो एम्बॉट फुल पे मैंने क्लिक किया,
और ये लंगड़ा है, ठीक है, ऐसे कुछ ब्राजील वाले भाषा में, ठीक है। तो ये देखो एप्लीकेटो हो गया, उसके बाद आपको नो रिकॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अभी वेट करना है आपको, ठीक है, ये कंटिन्यू आया, ठीक है, और ये भी हो रहा है। वैसे रिकॉर्डिंग का वैसे ये बहुत ही घटिया ऐप दे रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट नहीं कर पाऊँगा, पर यकीन मानोगा ये बहुत ही तगड़ा ऐप है, मैंने खुद लगाया है और आप भी लगा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।